व्हीकल है गवर्नमेंट प्राइवेट व्हीकल है क्रो हाँ। रोड है आजू बाजू छोटा है हाँ अदर अदर गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट व्हीकल है क्या अभी हम सुबह जा रहे हैं चर्च है तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि आज के दिन हम घूमेंगे तो अभी हम जा रहे हैं जू और यान देखेगा जू एनिमल्स एयान के लिए जा रहे हैं मैम क्योंकि हम तो खुद ही हैं हमारे तो घर के बगल में जू है ना बिल्कुल हम तो जा रहे थे तो वाइजैक का इतना बड़ा जू है इंदिरा गांधी क्या नाम है उनका इंदिरा गांधी जूलॉजिकल हाँ तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है खाली उनके सब के जो उनके केव बने हैं ना वो सारे देखा सब तो देखा हमने खाली पड़े हैं क्यों टाइगर देखा रोइन देखा वाइट तो मुझे नहीं लग रहा कि इधर कुछ ऐसा खास बड़ा होगा मुझे ऐसा लग रहा है देखते हैं क्योंकि हम जहाँ रहते हैं एकदम पास में ही है जू है ना तो फिर जू क्यों जा रहे हैं यहाँ आए तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या अंतर है यहाँ क्या डिफरेंस है अभी तुम तीन जानवर देखते हो आईना दिखाने जा रहे हैं जानवरों को आईना दिखाने यार अरे ये क्या है व्हाट इज दिस यार फ्लावर शो ये क्या है फ्लावर शो है दशहरा से जाने अच्छा ये क्या भैया एक्वा वर्ल्ड अंडर वाटर जोन जू यहाँ पर है ना एंट्री यहाँ से होगी अपोजिट साइड से अंडरग्राउंड है नया कोई सफोकेशन नहीं है मैं भी होके आया हूँ ना टिकट लेने गया था ना तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर और ये बोल रहे हैं कि रोड के इस साइड से एंटर करना है और चिड़ियाघर है उस साइड जाना है जो कि नीचे ही नीचे रास्ता है तो मैं इनसे बोल रही थी कि पूरा बंद तो नहीं है क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे कई लोग हों जिन्हें की बंद जगह से दिक्कत हो तो मुझे पहले से डर लगने लगता है तो ये कह रहे थे नहीं बंद नहीं है खुला हुआ रास्ता है तो बस अभी हम जा रहे हैं टिकट वगैरह ले लिया है अयान को मेन मज़ा आएगा यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है पहली बार से खाली खाली है दोनों हाथ से और अभी खाली नहीं कैमरा हाथ में वाओ अयन देखो इधर आप पैरट देखो कितने वैरायटी के पैरट है छोटे छोटे से देखो कितना बड़ा कोयन आउल ये तीन बैठे हुए हैं तो जैसा मैं कह रही थी कि शायद यहाँ पे बड़ा चिड़ियाघर नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा है अभी तो हम सिर्फ जहाँ पक्षी वगैरह हैं वहीं पे आए थे ये देखिए व्हाइट कलर का मोर कितना सुंदर लग रहा है बहुत ही प्यारा जैसे ही मैं वैसे ही उसने पंख फैलाए थे तो मैं वही सारी चीज़ें इनको दिखाती चल रही थी लेकिन ये थोड़ा सा ना अनमन सा लग रहा था मैंने इसमें बताया था ना इसको दवा दी थी तो उसके बाद इसका फीवर उतर गया था तो हम ले आए थे आ गए थे हम लोग घूमने लेकिन ये थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था ये देखिए ये आप लोगों को दिख रहे होंगे टाइगर जो कि एक घूम रहा है और एक आराम से सो रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा हो रहा है तो वो भी मौसम का आनंद ले रहा था तो बस हम लोग घूम रहे थे और यहाँ पर आने के लिए गाड़ी भी आप कर सकते हो जैसे पैदल बहुत चलना है तो आप गाड़ी लेके आ सकते हो लेकिन पहले हमने ध्यान नहीं दिया हमने कहा पैदल आराम से घूमते हुए देखते हुए जाएंगे अगर आपने शुरू से ही गाड़ी की है तो ही आप गाड़ी से आ सकते हो अगर बीच में चाहो मिल जाए थक गए तो नहीं मिलेगी और ये देखिए यहाँ पर है एक लाइब्रेरी जिसमें कि ये देखिए भालू का शायद हार्बेरियम इस तरीके से बना के रखा है ये देखिए और यहाँ पर बहुत सारी जानवरों से रिलेटेड बुक्स रखी हुई हैं जो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है तो ये सब हमने देखा लेकिन बीच में हमने गाड़ी की बात की क्योंकि आयान को दिक्कत हो रही थी एग्जिट कितना दूर है भैया अभी एग्जिट कितना दूर है फाइव मिनट्स ओनली फाइव मिनट वन किलोमीटर फाइव मिनट्स टू किलोमीटर
लेकिन बहुत कोशिश की, गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि जो भी गाड़ी हमें बीच में दिख रही थी वो पहले से लोग बुक करके आए हुए थे। तो फिर हमने पूरा मतलब और आगे तक हम नहीं गए, जितना अभी घूमा था उतना ही घूमने के बाद हम बाहर निकल आए, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हो सकता है ऐसे ही हो, चलने की वजह से थक रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर इसका फेस बताने लगा था कि इसको दिक्कत हो रही है, ज़्यादा हो रही है। फिर धीरे धीरे इसको दोबारा से फीवर आ रहा था, तो हम बाहर निकल आए। फिर गाड़ी वाले भैया को फिर बुलाया हमने। आज घूमेंगे घुमाएंगे बच्चों को थोड़ा, लेकिन इसको जो भी नहीं अच्छे से घूमा, इसको फीवर आ गया जोर से। यही होता है बच्चों के साथ, तो हम घूमना घामना तो बंद है हमारा, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ये देखो वॉमिट कर लिया है, और करेगा जब बोलते हैं सो जाओ, सोता नहीं है होटल में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, रमा को होटल छोड़ दिया है और मैं आयान को लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तो कोई अच्छा डॉक्टर है तो दिखा देते हैं, क्योंकि अब इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो फिर पहले डॉक्टर को दिखाना ही बेटर है, क्योंकि कल हमको निकलना भी, कल फ्लाइट है वापसी का। अयान प्लान तो काफ़ी कुछ किया था, यहाँ पे एक स्नो सिटी भी है, चामुंडी हिल्स भी है, अभी मैसूर पैलेस है, वही एक कौन सा वृंदावन गार्डन है, तो सात आठ जगह थी जहाँ जाना था, पूरे दिन में कवर करना था। ये गाड़ी हमने मतलब पूरे टाइम हमारे साथ ही रहती, लेकिन फिलहाल अब ये प्रॉब्लम हो गई है, तो देखिए फिलहाल तो बच्चा ये मतलब पहले यह ज़रूरी है, उसके बाद देखते हैं कि दवा खाने का आराम मिलेगा, शाम को प्लान करेंगे। हैं अब नहीं आएगी, तुमको लग रहा होगा ऐसा। क्यों लड़ रहा है? प्रसाद हम मिल रहा है क्या? प्रसाद तो ये मुझे छोड़ गए थे होटल, इसको मैंने चेंज वगैरह कराया क्योंकि इसको वॉमिट हो रही थी, फीवर तेज हो गया था इसे वहाँ पर घूमते घूमते, क्योंकि सुबह दवा खा के आया था। तो यहाँ पर डॉक्टर ने फिर दवा दी है, स्पॉन्जिंग वगैरह की, इसका थोड़ा सा बुखार होता है, इसी के लिए गए थे हम लोग जू कि ये देखेगा इंजॉय करेगा, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर सका। बहुत खुश था बाहर आके घर से। हम लोग अभी मेडिसिन लेके आ चुके हैं। अयान अभी क्या है, फीवर है, इसको अभी भी फीवर था, डॉक्टर को दिखा दिया है, फीवर काफ़ी तेज था, 102.7 था, थोड़ा स्पॉन्ज वगैरह किया था डॉक्टर ने, एंड उसके बाद वॉमिट का मेडिसिन लिया है, उसके बाद फीवर का टेबलेट लिया है। सो वेट करते हैं एक दो घंटे, और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ वायरल ही है तो कंट्रोल हो जाना चाहिए। हेलो ए Are you feeling sleepy? हाँ नींद आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे ओके ना, फीवर है उतर गया? उतर गया, फीवर है आपको अभी भी। और ये बालकनी से दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पर अभी भी टांगे चलते हैं, मैंने रोड में भी बहुत देखे थे ये टांगे, क्योंकि और जगह देखने को हम नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर बंद ही हो गए हैं, सब जगह ऑटो ही चलने लगा है। शाम को इसका फीवर उतर गया था तो कह रहे थे कि जो मैसूर का किला है वो थोड़ा सा देख लो, बाहर से ही देख लो, क्योंकि सुबह तो जाना ही है। इसको थोड़ा सा फीवर उतरा था तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं पास में। लिया है, डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे कौन सा पैलेस है, मैसूर पैलेस देखने। भाई कुछ तो देख ही लें, मतलब कुछ तो एक सुवनीर, कुछ निशानी तो हो जाए कि हम यहाँ आए थे, है ना। ये थोड़ा सा फिट फील करने लगा, इसका बुखार फीवर थोड़ा उतरा है, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए बस
फिर वापस आ जाएंगे। मना कर रही थी, और वैसे भी अभी 5:30 तो बज ही चुका है। मैं तो कपड़े भी चेंज कर चुकी थी दूसरा, तो इतना सब कुछ प्लान था 7-8 जगह जाने का, लेकिन इसकी वजह से, सड़के की वजह से सब कैंसिल। आओ अयान, इसको 3-4 बुखार की दवा दी है, तुम इसको हम दूर दूर ले जाएंगे, इसको मैं देखूंगा। तो नहीं माने, जबरदस्ती ले आए, कह रहे कल तो निकल ही जाना है, तो फिर नहीं देख पाओगी, तो थोड़ा सा देख लो, बाहर से ही देख लोगी, ये कुछ तो घूम ही लिया, क्योंकि हमने आज घूमने का प्लान बनाया था, कुछ नहीं घूमा। आयान को भी नहीं कुछ दिखा पाया, इसने 3-4 घंटे आराम किया, थोड़ा सा इसे रिलैक्स मिला था, फीवर नहीं था, तो मैंने कहा चलो देख लो, फिर मैंने चेंज वगैरह भी नहीं किया था, ऐसे ही आ गए थे क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी। क्योंकि मम्मा को डर नहीं लगता कि मम्मा पापा के साथ होती। तो जी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, 5 बजे क्लोज हो जाता है और हम 5:20 हो रहे हैं अभी, थोड़ा नहीं, हम जिंदगी में हर जगह लेट होते हैं। तो वो भी क्लोज हो चुका है ये, जैसा कि जानकारी मिल रही है हमको, बस ये है कि बाहर से देख लेंगे। हाँ भाई, यही है मैसूर पैलेस और बस। तो ये रहा मैसूर का किला, शाम के टाइम बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों को खुला हुआ मिल गया था, थोड़ी देर के लिए खुला था, तो हम लोग फिर अंदर गए उसके, और यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ये देखिए कितने सारे तांगे, मैं बोल रही थी ना तांगियाँ चलते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।